अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए बेल बटन दबाना ना भूलें। आज हम आपको बाजू में डिजाइन बताने जा रहे हैं। इसके लिए हमने ये कपड़ा फोर फोल्ड में किया है। ये बंद की साइड है, ये खुले की साइड है, ये बाजू की लंबाई है और ये बाजू की चौड़ाई है। बाजू की लंबाई हमने 5 इंच ली है। पौने एंड हाफ इंच हम सिलाई के लिए प्लस करेंगे और 1 इंच हम डिजाइन के लिए प्लस करेंगे, जो हुआ 8 इंच। 8 इंच हम बाजू की लंबाई लेंगे। बाजू की चौड़ाई हमने 6 इंच ली है। लूज रखने के लिए हम 2 इंच प्लस करेंगे, जो हुआ 8 इंच। 8 इंच हम बाजू की चौड़ाई लेंगे। यहाँ से हम सीधा मार्क करेंगे। ये नीचे खुले की साइड से हम 3 इंच लेंगे और इसको हम इस लाइन से मिलाएंगे। यहाँ सेंटर में हम 1/2 इंच का मार्क करेंगे, 1/2 इंच इधर, 1/2 इंच इधर। अब हम एक मार्क करेंगे और इस लाइन के ऊपर से निकालेंगे और यहाँ पे मिलाएंगे। एक मार्क हम यहाँ से करके और इस मार्क के ऊपर से निकाल के इसमें मिलाएंगे। ये हमारा आगे का आर्मोल है और ये पीछे का आर्मोल है। यहाँ से हम सीधा मार्क करके इसमें मिलाएंगे, ये मार्जिन के लिए छोड़ेंगे। अब हम इसको कट करेंगे। दो भाग को हम नीचे छोड़ेंगे, ये दो भाग को हमने ऊपर इस तरह पकड़ेंगे। अब हम ये आगे का आर्म होल को कट करेंगे। इसमें हम रोंग का मार्क करेंगे, ये उल्टा साइड है, ये भी उल्टा साइड है। ये बाजू हमारी कट के तैयार हो गई है। अब हम इसको सिल के बताएंगे। अब हम बाजू सिलने जा रहे हैं। पहले हम किनारे से फोल्ड करके सिलाई करेंगे। एक सिलाई हम ये बाहर साइड भी लगाएंगे। ये बाजू का साइड हमने सिल लिया है। अब हमने इसको डबल फोल्ड में किया है। ये सेंटर है, यहाँ से हम कट का मार्क करेंगे। और यहाँ से एक मार्क इस तरह कर लेंगे प्रेस करके। ये जो हमने कट का मार्क किया है, इसको हम यहाँ सेंटर से एक लाइन बना लेंगे। इसी लाइन पे हम सिलाई करेंगे। यहाँ ऊपर से 1/2 इंच छोड़ेंगे और यहाँ से छोटा छोटा चुन्नट डालेंगे। कपड़े को बराबर पकड़ेंगे और इस तरह से चुन्नट बना लेंगे। अब हम इसके ऊपर वापस एक सिलाई और करेंगे। जो हमने सिलाई की है, इसी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। ये बाजू में हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसको कुर्ती में सिलाई करेंगे। ये आगे का साइड है और ये आगे का आर्म होल है बाजू का। दोनों को मिला के सिलाई करेंगे। ये शोल्डर का सेंटर है। ये सिलाई जो हमने बाजू में लगाई है, इसको हम इस सेंटर से मिलाएंगे इस तरह से। और ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसको हम चुन्नट डालेंगे। ये हमारे बाजू का कपड़ा है, बचा हुआ एक्स्ट्रा है, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये पीछे साइड में भी चुन्नट डालेंगे। ये हमारी बाजू सिल के तैयार हो गई है। अब हम ये फोल्ड करके इसको सिलाई करेंगे।
बाजू की चौड़ाई हमने 8 इंच ली है, 8 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। इसी तरह हम दूसरी बाजू को भी बनाएंगे। हमने ये बाजू सिलाई कर ली है, अब यहाँ सेंटर में हम लटकन लगाएंगे जहाँ हमने ये डिजाइन बनाई है। लटकन बनाने के लिए हम इन मोतियों को यूज करेंगे। सुई में हमने ये धागा डाल लिया है, ये धागा 4 फोल्ड में है और नीचे हमने ये धागे में गांठ लगा ली है। अब हम पहले सबसे छोटा मोती डालेंगे, इसके बाद में हम इसमें से मोती डालेंगे। अब हम इसमें से छोटा मोती डालेंगे, अब हम इसमें से एक बड़ा मोती डालेंगे, अब हम इसमें से ये मीडियम मोती डालेंगे, अब हम इसमें से ये मोती डालेंगे, अब हम ये मोती डालेंगे और एक बार ये मोती डालेंगे। ये व्हाइट वाले हम 12 मोती डालेंगे। ये हमारे व्हाइट वाले छोटे छोटे 12 मोती हो गए हैं। अब हम इस तरह से इसमें ये मोती डालेंगे, फिर ये डालेंगे, फिर ये डालेंगे। ये लास्ट वाले मोती को छोड़ के हम इसमें धागा वापस डालेंगे। अब हमारा ये धागा इसमें से बाहर नहीं निकलेगा और यहाँ से 6 मोती गिनेंगे, उसमें से वापस धागा करेंगे। जैसे हमने ये मोती डाले हैं उसी तरह हम एक बार और मोती डालेंगे। ये 6 मोती डालने के बाद हम इसमें एक ये मोती डालेंगे, फिर बड़ा मोती डालेंगे, फिर इसमें से एक छोटा मोती डालेंगे। अब हम ये छोटा मोती को अलग करके इसमें धागा डालेंगे, वापस इस धागे को ऊपर की साइड लेके आएंगे। और यहां से हम एक फिर छोटा मोती डालेंगे और एक ये बड़ा मोती डालेंगे और फिर एक छोटा मोती डालेंगे। ये हमारी लटकन बनके तैयार हो गई है। अगर आपके पास भी इस तरह के मोती हैं तो आप भी घर में लटकन बना सकते हैं। अब हम इसको बाजू में लगाएंगे। अब जहां हमने ये सिलाई लगाई है यहाँ पे हम इसको टांगेंगे। इसी तरह हम दूसरी बाजू में भी ये लटकन लगाएंगे। अगर आप इसी तरह और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।